मैं मान जा भैया, मैं मान जा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। नहीं मानूंगा मैं, मेरी बात मान लो, समझ लो क्या। हाँ, ये इतना बढ़िया खानदान आपको कहीं नहीं मिलने का। आपसे पहले भी 16 रिश्ते आ चुके हैं, ईमान से उनसे गवाही दिला सकूं। नहीं नहीं, मैंने सुना उनका खानदान सही नहीं है। मैं कैसी बातें कर रहे हो, उनके खानदान की क्या तारीफ करूं मैं। उनके बड़े बुजुर्ग जिनके घर में गए ना, उनका सत्यानाश हो गया। भैया मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है भैया, मुझे माफ करो। मैंने सुना वो लड़का मिलनसार भी नहीं है। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लड़के की मिलनसारी की क्या तारीफ करूँ, क्या तारीफ करूँ मिया। जहाँ वो बैठ जाता है ना, हजारों मक्खियाँ बैठ जाती हैं उसके साथ। गंदा लड़का हाँ। तो भैया मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। मान जा भैया मान जा। जी मैंने सुना वो महंगा है, वो शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है उसकी। किसने कहा मियाँ, इतना खूबसूरत बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है कि बच्चों को भूतों की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। कैसे मियाँ, बच्चे के रोते हुए बच्चे के सामने उसको खड़ा कर दो तो रोता हुआ बच्चा डर के मारा चुप हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं भैया मैं मान जाओ, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है भैया। मैं मान भी जाओ, मैं नहीं मानने का। मान जा भाई, नहीं मानने का। मैं कह रहा हूँ मान जा। अजी नहीं मानने का। मैं कह रहा हूँ मान जा। अजी नहीं मानने का। मैं कह रहा मानता कि नहीं। क्या कर लेगा मेरा, मैं मार पहले तो चालू क्या कर रहा हूँ। मार खा लेगा मैं, तू क्या मुंह देख रहा। मार अरे भैया मुझे रिश्ता मंजूर है भैया। मुबारक हो। मैं पहले मान जाते तो इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत थी। लौंडा मुबारक हो, मैंने का रिश्ता हो गया भाई। चलो आओ खुशखबरी दे दे। लेकिन मेरी एक शर्त है, सुबह 7 बजे तक ले आना बारात, 8 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम ये बताओ कब ले आए बारात। पिछले महीने की 17 तारीख को ले आना है। 17 तारीख नहीं, मेरा मतलब है अगले महीने की 17 तारीख को ले आना। और भैया मेरा नाम है बावला खदेड़ा, गांव का नाम है गवाली खेड़ा। बहुत बढ़िया। चलो लड़के के बाप से तो मिल ले। जी होता रहेगा मिलना मिलाना, अभी तो मुझे अपने घर जाना भैया। आधा वर्ष है। अरे अब्बा चमकीले, यूं ही थाली बैठे इधर उधर लड़कियों को ताकते रहोगे। यूं ना कि कुछ काम वाम कर लूं। अरे मेला सोया पड़ा, जाके मेले को जगा लो। हाँ क्यों नहीं, क्या मेला अभी तक सो रहा है। हाँ सोया पड़ा है अभी तक। हाँ? मैं अभी जाता हूँ और उसे उठाता हूँ। ठीक है। अरे गुलबदन, अरे क्या हुआ, मेला सोया पड़ा है, जगाया कि नहीं जगाया। अरे मैंने भेजा तो है अब्बा चमकीले को कि मेले को जगाई आएंगे, गए हैं जगाने। करीम, अरे ओ करीम, ये जरा मेरी प्रेस कर दे सलवार पे। प्रेस कर दूं ये, मुझे और बताइए काम पड़े जरा कर दे। करीम, ओ करीम, अरे कहाँ मर गया। आया जी यहाँ। अरे बाजी दूल्हा भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। हाय, मैं तो सुबह से खुद ढूंढ रही हूँ। आए लो बताओ, सुबह से देखो एक भी शेर नहीं सुनाया। आधा वर्दे या वही शेर सुना दो। आए तो लो अर्ज है। इरशाद। अर्ज किया है। इरशाद। अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हो, वाह क्या लिख रही हो। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। दिले बेकरार का, वाह वाह। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, और आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो आइए। आपकी उम्र क्या है। आई मिया छोड़ो, आपसे तो कमी होगी। अरे छोड़ो भी, अब जो हुआ सो हुआ, तुम कुछ और पहन लेना। अरे देखो कमबख्त महाराज उठ के आया है, बताओ आज इसकी शादी है। आज मेरी शादी है और नहीं तो क्या। अच्छा अरे अब छोड़ो,
चलो दूसरे कपड़े पहन लेना। दूसरे होंगे तब पहनूंगी ना। बे क्या हो रहा है ये, हैं? बे हो क्या रहा है ये, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही, हो क्या रहा है? बताओ, अभी तक दूल्हा तैयार नहीं हुआ। अबे फटाफट पानी गरम करने रख दो, नीम के पत्ते डाल के इस कमीने को फटाफट कफना दो भाई। आए मियां, अरे ये क्या कह रहे हो, कफना दो? मेरा मतलब है दूल्हा बना दो। हाँ यूँ कहो। एक बात सुन लो अब्बू। हाँ। गरम पानी से नहीं नहाने का हूँ, और मैं तो ठंडे से नहाऊंगा। ठंडे से गरम पानी से नहीं नहाने का, ठंडे से नहाता कहीं यही मनुष्य। ठंडे से नहीं नहाने का हूँ, जावे जा लम्डे, हैं? इसे नल पे ले जा। और सुन 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 सुन, ईंट से रगड़ रगड़ के नहला दे कमीने को, ठीक है? एक बात सुन लो अब्बू। हाँ सुना। ईंट से नहाने का हूँ, और मैं तो साबुन चलाऊंगा, साबुन से साबुन साबुन बनाता कहीं ये काला कलूटा, साबुन से नहाएगा? पता नहीं मेरे घर में कैसे जन्म ले लिया कमीने ने। तेरा मुंह ही साबुन के लायक नहीं है। ले ले लौंडे, एक काम कर, यहाँ को ले जा, एक कपड़े धोने का साबुन लिया और इसे रगड़ रगड़ के नहा कमीने को जाके जा। एक बात सुन लो अब्बू, कपड़े धोने के साबुन से नहाने का हूँ, और मैं तो नहाने के साबुन चलाऊंगा, नहाने वाले साबुन से। बेटे बात को समझा कर। क्या है? क्या बात को समझा कर। मैं कपड़े धोने के साबुन से रंग जल्दी गोरा होता है बेटे। अच्छा तो फिर मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लूं? नहा ले मेरे बच्चे, इसी चक्कर में दोपहर हो जाएगा, उधर नाश्ता निकल जाएगा। चाचा लिया आया साबुन? बेटे साबुन लिया आया? हाँ चाचा। ठीक है बेटे दिखा। हाँ ठीक है, अब इस कमीने को नल पे ले जाओ, रगड़ रगड़ के नहलाओ कमीने को। चल भाई नहा ले। चल भाई। ओ भाई नहा ले, चल भाई मिलके नहाएंगे यार। अब्बू ये मेरे कपड़े उतार रहे हैं। अबे तो कमीने बिना कपड़े उतारे नहाएगा क्या? नहीं चल नहाने का अब्बू। और मैं तो तुमसे नहाऊंगा। अच्छा मुझसे नहाएगा? बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं नहलाऊंगा अपने बच्चों को। हमारे अब्बू नहाएंगे हमें। मेरा मैला भैया, तेरी चची कहाँ है? मेरी जेब में, निकालो लो निकालो। यहाँ मैं लौंडे में मुसीबत गुजर रही, तुम्हें चची की पड़ रही है? आ बेटा चलो अब निलाऊंगा तुझे। चलो। अबे ये तो सूख गया। अबे चल क्या है, चल ना। मैं नहीं बैठता। बैठ साबुन दे, साबुन दे। मैं अपना नाम नवा। लो भैया लो, मेरे अपन को पकड़ लेना। बेफिक्र रह बेटे, दिमाग खराब कर लगा। अबे आगे को होके बैठ। अरे बैठा तो बड़े मियां, दिमाग खराब कर रहे हो बेटे। बुरा नहीं माना करते। अरे दिमाग खराब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं मेरा। नहीं अब्बा है बेटा, अब्बा कोई बात अब्बा। हाँ चलो तो सही है। अब्बा हाँ, पानी पानी से डालो। ले पानी ले, ला ले ला। अब्बा पानी का आनी अभी मुंह आगे कर लो। अब्बा हाँ नल तो खोलो। अबे बेटे मेरा यकीन कर, अल्लाह गवाह है मैंने नल चलाया बेटे, पानी नहीं आ रहा है। बेकार की बात करो। तू ऐसा कर बेटे, मैं एक लोटा पानी कहीं से उधार ला देता हूँ। ठीक है, तू मुंह धोके काम चला ले बेटे। अच्छा अब्बू ठीक है, मैं ला के दे रहा हूँ एक लोटा पानी। ठीक है जल्दी ले आओ। अरे बेटी सुन। जी अम्मी। दूल्हे मियाँ सेहरा लेने गए कि नहीं? उन्हें तो काफी देर हो गई है अम्मी, बस आते ही होंगे। तू देख जरा उन्हें काबू में रख, आजकल के लड़कों को हवा लगते देर नहीं लगती। हाँ अम्मी, आपने जो ताबीज बनवा कर दिया था उसका तो कोई असर ही नहीं दिख रहा है। अरे तू तो फिक्र मत कर, मैं और ताबीज बनवा दूंगी, बहुत मौलवी है मेरे जानने वाले। ठीक है अम्मी। मियाँ इसके कपड़े कहाँ पे, कब से नीला दुला के बिठा रखा है, इसे ठंड चढ़ गई होगी। इसके कपड़े कहाँ है? मैं क्या मंगवा रहा हूँ कपड़े? क्या मुसीबत है, हैं? सब काम अभी अभी होते हैं। अरे कहाँ गई रही हो? एक ना एक मुसीबत खड़ी कर रखना। एक अरे इसको पकड़, तू ले नहीं सकते। मैं इसको इस फजीते को देखूं, इसे देखूं। अबे इसके कपड़े कहाँ यार, कहाँ हैं इसके कपड़े? आई मियां सुनो तो,
बहरा गया है इसके कपड़े लेने दर्जी की दुकान से। भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा ईमान से, एक एक मीटर के कीड़े पड़ेंगे बता रहा हूँ। अबे अब वो बहरा दर्जी की दुकान से कपड़े लेने गया है, है? दोपहर तक आएगा उधर नाश्ता निकल जाएगा। आई आता ही होगा। हेलो बहरा भी आ गया। आ गया, आ जा भैया, बड़ी जल्दी आ गया। बेटा ले आया कपड़े? बेटे कपड़े ले आया? बेटे कपड़े ले आया दर्जी की दुकान से? अबे बहरे कपड़े ले आया दर्जी की दुकान से? अरे तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? ये बता बेटे कपड़े ले आया? अजी कहाँ से ले आता कपड़े, दर्जी की दुकान तो बंद पड़ी है, और ऊपर से उसका पड़ोसी कह रहा था कि वो किसी की मैयत में गया है और चार दिन बाद आएगा। अबे वो चार दिन बाद आएगा तो क्या मैं इसे नंगा लेके जाऊंगा? मैं मेरा लौंडा नंगा बैठा रहेगा उधर, नाश्ता निकल जाएगा। अबे दफा हो जा मनु, दफा हो जा। अबे इसके कपड़ों की सोचे मैं क्या होगा। मियां छोड़ो, एक शेर सुन लो। देखो मैं सुबह से ढूंढ के फिर रही हूं, बोले भाई तुम। हां आ जा। परेशान क्या हो रही हो? परेशान? पहले तू शेर सुनाएगी, ये तू परेशानी पूछे? भाई मैं शेर सुना रही हूं, देखो मैं सुबह से ढूंढ रही हूं। तू शेर सुना मेरी माँ, तू शेर सुना पहले। अर्ज किया है। क्या किया है? ये जुल्फ अगर खुल के, ये जुल्फ हाँ, अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। ये जुल्फ हाँ, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। वाह वाह, इतना ही था। अबे तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा बता रहा हूँ मनु, मेरे पास मत आया करो। अब बताओ मेरे चाचा हुआ क्या? अबे जनाजा निकलना मेरे लौंडे का, देख जनाजा निकलना। अबे मनुज पड़ोसी जले पर नमक छलकने आ गया, तू भी? अबे ये देख मेरा लौंडा नंगा बैठा, अबे इसके कपड़े नहीं आए, बताओ अब मैं कैसे नंगा लेके जाऊंगा? अरे नहीं चाचा नाराज मत हो, मुझे बताओ क्या हुआ। अबे बेटे मेरे लौंडे पे कपड़े नहीं है, अब ये क्या नंगा जाएगा ये बता तू। अरे तो परेशान क्यों होते हो? मेरे अब्बा की पुरानी शेरवानी कब काम आएगी, अभी लाता हूँ। तेरे अब्बा की पुरानी शेरवानी है तेरे पास? बेटे जल्दी जा लेके आ। हाँ जा रहा हूँ। जा लेके आ बेटा। बताओ इनका बेड़ा गर्क हो जाए, दूल्हा भी चंदे में सेट हो रहा। मियाँ अब्बा चमकीले सज संवर के दूल्हा बन के बैठ गए, ये नहीं कि ये कपड़े मेरे लौंडे को दे देते। मियाँ दूल्हा बने बैठे हो, शर्म गैरत कुछ है नहीं है? मियाँ मुझे नंगा करोगे क्या, मेरी इज्जत निकालोगे? तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ मियाँ। मुझे भी तो लौंडिये देखे हैं ना। तुम्हें लौंडिये देखे हैं? हाँ। तुम्हें देखे हैं? हाँ। मैं तुम्हें देखे हैं या मेरे लौंडे को देखे हैं? अरे चलो, ये नए जमाने का ऋतिक रोशन है। मुझे देखे या मेरे लौंडे को देखे या तेरे लौंडे, भाई है तो अपने ही। इसकी शादी इतने ठाट से होगी, अजी बैंड बजेंगे। तेरी चाची कहाँ है? जहन्नुम में होगी, चले जाओ यहाँ से। दिमाग मत खराब करना। जब देखो चच्ची का, जब देखो चच्ची का, मैं जेब में लिए फिर रहा हूँ चच्ची को। नाराज क्यों हो रही है? ना मेरा तो लौंडा सेट नहीं हो रहा, तुम्हें चच्ची की पड़ रही है। मैं ले आया है बेटे शेरवानी, चल बढ़िया करा है। अबे ये लाया है तू शेरवानी? हाँ चाचा। वो भी इतनी पुरानी? चल कोई बात नहीं बेटे, अब तो इससे काम चला लेंगे। अब इसके नीचे का कमीज पजामा और दे बेटा जल्दी से। चाचा मेरे पास कमीज पजामा नहीं है, मेरे पास तो बस ये पुरानी शेरवानी थी, वो मैंने ला दी, अब तुम जानो। बताओ अबे तो क्या मैं इसे नंगा लेके जाऊंगा? सूखी विटांगों में लेके जाऊंगा इसे नंगा? क्या हुआ अजी, मेरे लाडले देवर की शादी है, ऐसे वक्त में मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? अरे इसके नीचे का कुर्ता पजामा नहीं है, बता क्या करूं? मेरे पास पजामा तो है नहीं, ये मेरी सलवार है, यही पहना दो। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो जलील, तुम कर क्या रहे हो? अबे जरा सोचो, ऊपर काला कोट नीचे लाल सलवार, अबे ये दूल्हा बना रहे हो या चौकीदार? अबे ये सलवार पहनाएगा लौंडे का सत्यानाश करेगा। तुमने बड़ा ख्याल रखा, ये सलवार पहनाएगा, देखो क्या कमी रह गई इसमें। वाकई सलवार, अब वो एक बात सुन लो, इसमें तो दिख रहा सब कुछ आर पार। कोई बात नहीं बेटा, चल अब तो यही पहन के काम चला ले। अब वो मैं सलवार नहीं पहनने का हूँ, मैं तो पैंट पहनूंगा पैंट। अब मैं सलवार नहीं पहनने का हूँ, मैं तो पैंट पहनूंगा पैंट। अबे भील वाला ओ ग्वाला भैया, जान दे बाप ने भी कभी पैंट पहनी?
बेटे अगर तू ऐसी जिद करता रहा तो दोपहर हो जाएगा, उधर नाश्ता निकल जाएगा यार। पहन ले मेरे बच्चे, पहन ले बेटा, तुझे गाड़ी छूट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पहन लेता हूँ, जल्दी पहन बेटा। अच्छा चल भाई पहन। मैं मनु, जब गलत दरवाजे में कुछ आएगा तो कैसे चला जाएगा, रास्ता तो सही देख ले। देखियो तेरा बेड़ा गर्क हो जा, कहाँ कहाँ को पैर डाल लिया। पैन अबे मनुज, बस वाला मर गया है, बस वाला मर गया, और तू भी मर जा। खुद कुछ काम मत कर लेना, सारे काम अब पूछे पूछना, सारे काम अब पूछे पूछना। अब मैं दूल्हे को सेट करूं या बस वाले को देखूं? अबे कुछ जाके खुद भी कर ले कुछ काम। जा इधर मनुज, ये तैयार नहीं हो रहा। अबे कर क्या रहा तू, कैसे कर रहा? अबे तेरी चच्ची कहाँ है? चच्ची भी मर गई। तुझे कैसे पता? डाकिया बता गया। बहू मेरी बता गया इसे। जब देखो चच्ची कहाँ, चच्ची कहाँ, चच्ची कहाँ, यहाँ अपने काम का मैं क्या? मैं गांठ मार लेंदे। मैं हो गया भाई, हो गई ना। अब्बा चमकीले, तुम भी कुछ करोगे नहीं करोगे? नाला भी बन रहा तुमसे। अब बांध दिया भाई, नहीं आता। बांध दिया। ये भी पहनाओ। बन गई। हाँ ये शेरवानी पहनाओ। ले बजा, हाथ उठा। अबे बटन तो खुलवा लो उसके, तुम्हारा मेड़ा कर बटन भी नहीं खोलना। बहू लाने की बड़ी जल्दी है मनु, उसको बटन खोलने की नहीं है। अबे कपड़े हो गए सही हो गए। अब अबे इसका दूसरा पांचा कहाँ है, सलवार का दूसरा? मनु दूसरा पांचा तो ऊपर लटका रखा तेरा, बेड़ा गरक हो जा। है अब ठीक है? हाँ अब हाँ। मैं कैसा लग रहा हूँ? ऊपर से दूल्हा लग रहा है, नीचे से दुल्हन। बेड़ा गरक हो जा मनु, ऐसे नसीब ले। अबे कपड़े तो हो गए, इसके सेरे का क्या हुआ? सेरा कहाँ है इसका? सेरा वो सेहरा लेने गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। अरे वो लंगड़ा अब सेहरा लेने गया मनुष्य, ये नहीं कि कोई काम पहले हो जाए। अब वो सेहरा लेने गया, दोपहर तक आएगा, उधर नाश्ता निकल जाएगा, इसका बेड़ा गरक हो जाए मनुष्य का। अबे आ गए तो अंदर मत घुसने देना, भट्टी में झोंक दो कमीने को। बेड़ा गरक हो जाए। अब्बू मुझे आपकी ऐसी बातों पे गुस्सा आ जावे, मेरा पहली दिमाग खराब हो रहा। अबे बेटे क्या हुआ, ले आया सेहरा, सेहरा लेने गया था, सेहरे का क्या हुआ बेटे? क्या खाक सेरा लिया है? सारे बाजार में फूल ही नहीं है। भाई फूल कहाँ गए? शहर में इतने सारे नेता ना जाने कहाँ से आ गए, कम वक्त मारे पूरे के पूरे बाजार के फूल ही खा गए। फूल ही खा गए? गेंदे के फूलों पर भी ब्लैक चल रहा, 100 रुपए के 4 मिल रहे हैं 4। अबे तो फिर सेरे का क्या हुआ बेटे? सेरे का बता, सेरे का क्या हुआ? अबू सेरा तो मैंने बनवा लिया। बनवा लिया? पर नीम के पत्तों का बनवाया। अबे ये लाया सेरा, अबे ये लाया सेरा नीम के पत्तों का। मनुज मैंने भी तेरे हाथ पे सेरा बंधाई, 551 नीम के पत्ते ना रख के मेरा नाम बदल दिया जा, चला जा। बताओ अब एक बात सुन लो। हाँ बता बेटा। हाँ बता। मैं ये सेरा नहीं बनवाने को नीम के पत्तों का, और मैं तो गुलाब का बनवाऊंगा, फूलों का, फूलों का। अबे मनुज ये मुंह फूलों के लायक नहीं है, धूल के फूल। इस मुंह पे फूल नहीं जचेंगे बेटे, पत्ते ही जचेंगे। अच्छा है? देख इसके पीछे तेरे सारे आप छुप जाएंगे। अच्छा जी। हाँ ये बेकार आंखें। अच्छा ये काला सिया चेहरा। अच्छा इन पत्तों के नीचे सबको ढक जाएगा। अच्छा हाँ बात को समझा कर। ये बनवा लो फिर काला। हाँ ये बनवा, ये बनवा लो। हाँ अच्छा तो ठीक है। हाँ ले बेटे। मैं अबे कहाँ है दूल्हे का बहनों, कहाँ ये कहाँ चला गया? लो जी लो, बन गया सेहरा, निकालो मेरे सेहरा बंधाई के पैसे। अबे काय के पैसे बे? ये सेहरा बांधा तूने नीम के पत्तों का? मनुज तेरे से मैं पहले ही किल से बैठा, पहले जी तो कर दिया तेरा, गला घोट दू। पहले मैं लौंडिया का नाश कर रहा, ये लौंडा बचा था, इसके भी नीम के पत्तों का सेहरा बांध दिया, इसकी मट्टी खराब कर दी ईमान से, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए ईमान से। मनुज ले भाई ले पकड़, 51 रुपए सेहरा बांधाई पकड़। मियां मैं 51 रुपए नहीं लेने का, 1551 रुपए लूंगा। देख भाई वो बात सुन ले, ले ऐसा कर, ये 551 रुपए मिलेंगे, लेने तो ले वरना रहने दे, और नहीं दे सकता मैं सजा दे। मियां दे रहे हो तो तमीज से दो, वरना सेहरा उतार के ले जाऊंगा। अबे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा गजब मत करियो। देखिए इसके सारे ऐब तो इन पत्तों के नीचे ही छुपे हुए, ये काला शिया चेहरा, ये भेंगी आंखें, देखियो सारे ऐब इन पत्तों के नीचे ही छुपे हुए, इसे मत उतारियो मेरे बच्चे, ले पकड़ पैसे। वाह भाई वाह भाई, सेहरा बहुत ही बढ़िया लग रहा है बेटे तेरा। हाँ एक बात सुनो। हाँ
मैप तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा हूँ? देखो बेटा है, देखो थू तेरी शक्ल पे, लानत है मनोज, ऐसा लग रहा है जैसे हरी घास में कौवा चुग रहा हो। अब मजाक मत करा करो। अबे सब हो गया है, कुछ रह गया भाई? अबे यार इसी चक्कर में होने वाला दोपहर उधर नाश्ता निकल जाएगा भाई। अजी हार आ गया मेरे बच्चे का, तो हार पहनाना जल्दी। तुम्हारा भेड़ा गरक हो जाए मनुष्यों का, दोपहर कर दिया दोपहर। मेरे बच्चे बढ़िया याद दिलावे तूने, ले टोपी लगा दी। अब्बू बारात की बस आ गई। आ गई बेटा, तो सबसे कह दे कि बारात में चले और बस में बैठे जल्दी से। बेटा एक बात सुन, इधर आ। मैं बस तो आ गई बेटा, ये घोड़ी नहीं आई अभी तक यार, पता नहीं कौन मनुष लेने के लिए गया, या जल्दी बिठवा। चलो भाई चलो, बारात की बस आ गई भाई, अपने अपने सर मुंडवाते रहे और बस में बैठते रहे भाई। मामू जान घोड़ी आ गई। पहले आया बेटा घोड़ी? मैं मनुष सुबह का गया, तू अब आया घोड़ी लेके? कहाँ है घोड़ी? मामू जान बाहर है, आइए दिखाइयो। चलो मामू जान आओ। अबे ये लाया घोड़ी? हाँ मामू। तो बेटे मुझे इसका साइज कुछ छोटा लग रहा है यार। साइज छोटा लग रहा है? हाँ। सच बताऊँ मामू? हाँ। सारे शहर में एक भी घोड़ी नहीं मिली। हाँ। तो मैं कुम्हारों के यहाँ से गधा ले आया। तेरा बेड़ा गरक हो जाए मनुष। अबे मेरे लोंडे के लिए गधे की कमी रह गई थी है? मुंह उसका अल्लाह ने खुद ही काला कर रखा। अबे कर क्या रहे हो मनुष्यो, कर क्या रहे हो? अब मामू साइज में थोड़ी छोटी है, वरना लगते घोड़ी सी रही है। अबे यार दिमाग खराब कर दिया तुमने, सही बता रहा, दिमाग खराब कर दिया। मेरे लोंडे का ब्याह बिगड़वाने के चक्कर में लग रहे हो तुम सब। अरे मामू अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, कहो तो वापस करके आता हूँ। अबे नहीं बेटे, इसी से काम चला लेंगे, वरना दोपहर हो जाएगा उधर नाश्ता निकल जाएगा। आ बेटा। चलो मामू। बताओ इनका बेड़ा गरक हो जाए मनुष्यों का, सारी दुश्मनी मेरे लोंडे से निकाल ले, इनका हो जाए सत्यानाश। मंगवाई थी घोड़ी, गधा ला के बांध दिया मनुष्यों ने, जिसे देखो सब काम उल्टे सीधे हो रहे हैं, उल्टे सीधे हो रहे हैं। मेरे लोंडे से दुश्मनी निकाल ले सबके सब, मगर सुलट लूंगा। अब तो मैं कुछ ना कह रहा, मैं लोंडे का ब्याह बिगड़ जाएगा, इस वक्त मैं कुछ ना कह रहा, सब कुछ देखूंगा। इधर दोपहर हो जाएगा उधर नाश्ता निकल जाएगा। अबे हो गया भाई सब कुछ, हो गया तो चले। अजी रुको तो, अभी कैसे जाने दूं? मैं दूल्हे की भाभी हूँ भाभी, जरा मुझे सुरमा लगाने की रस्म तो अदा करने दो। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, भाभी भी ऐसी है कि 4.5 फुट में पूरे ठाट हो रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, देखिए इसको सुरमा लगाना कोई फायदा नहीं है, वो इसलिए है कि सुरमे का रंग और इस कमीने का रंग दोनों का एक जैसा ही है, इसलिए। फिर भी तो सुरमा लगानी चाहती है, लगा चला लगा लो भाभी। पर बात सुन, संभाल के लगाइयो, मेरा लौंडा जरा नाजुक है। अरे मेरा लाडला देवर है, प्यार से लगाऊंगी। लगा लो भाभी, लगा सुरमा। हटा, मैं पीछे को जा रहा हूँ, लगा। तुम्हारा बेड़ा गरक हो जाए जलीलो, मेरा लौंडा किसी को एक आंख नहीं मारे। अब बेड़ा गरक हो जाए, सत्यानाश हो, खून निकल रहा मैं बच्चे के। हटियो हटा नहीं जरा, खून निकल रहा मैं बच्चे के। अब हाँ मेरा सी लग रही, मेरा सी लग रही, कुछ चुप सा भी रहा। हटिए जरा देखूं बेटा। लो अब देखो, अबे तुम्हारा बेड़ा गरक हो जाए मनुष्य। अबे सुरमे की सलाई तो आंख में घुसी हुई छोड़ रखी। मैं मेरा लौंडा एक आंख नहीं भरा किसी को। अरे बेटा अब तो ठीक, अब तो ना हो रहा कुछ, ना अब ना हो रहा कुछ भी, अब तो ना हो रहा, ना अब ना हो रहा कुछ भी, ठीक कर लिया अब सही से। लो अब कर लिया, अब तो ठीक है। हाँ अब, हाँ भाई वाह। अब अब मैं तुम्हें कैसे लग रहा हूँ? मुझे क्या तू दिख रहा है यार? क्यों तुम्हारी भी आंख फोड़ दी क्या भाभी ने? अबे नहीं भाई बेटा, ये बात नहीं है। और तेरा सारा मुंह पत्तों के पीछे छुप रहा है ना मनुष। अच्छा हाँ, अबे अब ये घोड़ी तो आ गई बाजे वाले ने आए दिखे। अरे ऐसा कर लो रे लौंडी, और कहाँ मर गई मनुष्यो, लपर झपर फिर रही है सजीवी। अरे मेरा लौंडा दूल्हा बना हुआ बैठा, बन्ना बना हुआ बैठा, इसका एक आधा बन्ना गीत ही गालो। चल रही तमीजन, लंगड़ा गीत उठा ले। नहीं खाला, मैं तो दशहरी उठाऊंगी। आए चल छोड़, ना मेरा लंगड़ा ना तेरी दशहरी, आए गुलाब जामुन उठा लेते हैं।
अरे ये लौंडियो मनुष्य तुम्हारा बेड़ा गरक हो जाए है? अरे ये तुम गीत गाने की तैयारी कर रही हो या आम खाने की है? तुम्हारे चक्कर में मेरा लौंडा आधा सेरा खा जाएगा, उधर नाश्ता निकल जाएगा। अरे जल्दी से गीत सुनाओ नहीं तो लठ बजा दूंगा ईमान से। हाँ लौंडिया, कसम खुदा की कितना बढ़िया डांस करा, कितना बढ़िया गाना सुनाया, कसम खुदा की दिल खुश हो गया। गुलबदन, हाँ? तूने भी आज ऐसे ठुमके लगाए मान से। ले इसी बात पे पकड़, ये वार फेर कर रहा हूँ तेरे ऊपर, 100 का नोट तेरा ईमान से। हाँ अच्छा? दिल खुश है आज मेरा बहुत। आई मिया इसी बात पे अर्ज किया है, किसी ससुराल कर्ज नहीं कर रखा मैंने, मैंने किसी का कर्ज नहीं किया, अपने पैसे से किया अपने लौंडे का भी, मैंने किसी का कर्ज नहीं लिया। मिया मैं तो शेर अर्ज किया है। अच्छा, शेर अर्ज किया है? हाँ। सुना सुना सुना। हमने तुमको दिल दे दिया। आहा। हमने हाँ। तुमको दिल दे दिया। अच्छा, ये भी ना पूछा कौन हो तुम है? ये फैसला तो दिल ने किया है, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। आदावर दे। ये शेर था? ये शेर था। तो भाई वाह वाह। वाह 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 वाह,
क्या शेर पड़ा है माशाल्लाह आपने। तो एक बात पूछूं, आपकी उम्र क्या है? आई मियां पहले भी बता चुकी हूँ, आई उम्र में क्या रखा है, दिल देखो। दिल भाई जी, इस वक्त जी आपका मूड बहुत अच्छा है। सब अल्लाह का करम है मियां, आप जैसे बुजुर्गों की बद्दुआ है। अरे ओ लड़की इधर आ, बड़ी तितली बनी फिर रही है, फुर 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 फुर। अरे कर क्या रही है तू, और तू क्या कर रहा है लमडा इसके साथ में? चल लमडो में जाकर बैठ, जल्दी तू भी वहां बैठ। तितली बनी फिर रही है, तितली बनी फिर रही है, तितली बनी फिर रही है। मैं अर्ज कर रहा था जी, फरमाए। इस वक्त आपका मूड बहुत अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है मियां। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी चच्ची कहाँ है? पड़ोस में नब्बू मियां के साथ आइस पाइस खेल ली होगी। तुम्हें कैसे पता? मियां मैं सब जानू, तुम बुड्ढा होकर क्या क्या हरकते हैं क्या मैं सब जानता हूँ। तुम बुड्ढा कहो तो तुम्हारी पोल पट्टी खोल दू। मीने बुड्ढे जलील, जब देखो चच्ची कहाँ है। अबे तू यहाँ बैठा बैठा सारा सेरा खा जाएगा मनु। मामू अरे वो बाहर बैंड बाजे वाले आ गए। मैं बेटा तो सुबह से बाजे लेने गया था, अब आए बैंड बाजे वाले। आ दो भाई मामू। आ गए? हाँ। कहाँ है? अरे बाहर बैठे हैं पत्थर पर। आ जरा दिखा। आ जाओ। आओ। लो मामू ये बैठे बाजे वाले। अबे तू ये बाजे वाले लाया या राज मजदूर लाया? अबे इनकी ड्रेस कहाँ, इनके बाजे कहाँ है मनुज? अरे मामू सबर करो, अरे सब हो जाएगा। मामू इनकी एक दूसरी पार्टी है, वो कहीं पे बारात को चढ़ाने के लिए गई है। वो टीम आएगी, अपनी ड्रेस और बाजा इन्हें दे देगी, फिर वो वाली टीम इनकी तरफ हो जाएगी। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कमीने। अब तू कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे लौंडे के लिए तुझे ऐसे बाजे वाले मिले थे? अबे न जाने इनकी टीम कब आएगी, कब इन्हें बाजा और अपनी ड्रेस देगी, कब मेरे लौंडे की बारात चढ़ेगी और उधर नाश्ता निकल जाएगा। अरे मामू मेरी बात तो सुन, मामू बढ़िया बैंडी बुक करवाया है, अगर वो आ गए उन्हें चढ़ा देंगे। ठीक है बेटे। हाँ? अब तो कोई ना कह रहा हूँ, मेरे लौंडे का बिया बिगड़ जाएगा, तुझे बाद में सुलटूंगा, चल कोई बात। हाँ हाँ। सब काम उल्टे सीधे हो रहे हैं, सब काम, कोई काम सीधा नहीं हो रहा। अबे मनुज तेरी वजह से हो रहा। अब सब तैयारी हो गई? आ टोपी है जी, सेहरा हैगा, शेरवानी हैगी, हार हैगा, सलवार हैगी, जूते नहीं है? इसके जूते लाओ। मनुजो यही दोपहरा कर दिया है, उधर नाश्ता निकल जाएगा, जूते लाओ। अब लो जूते, लो ले आए जूते जी। अबे सॉल अलग, फीते अलग, ये कर क्या रहे हो मनुसो? मैं मेरे लौंडे से दुश्मनी निकाल लो, जारी जा दफा हो जा, इन जूतों को ले जा, मेरी चप्पल ला के दे। बेटे तू मेरी चप्पल पहन ले। चप्पल? हाँ। चप्पल नहीं पहनना कहा अबू मैं। बेटे बात को समझा कर, देख दिमाग को खराब मत कर। क्या? मेरी बिल्कुल नई चप्पल है, 8 महीने ही पहनी है मैंने। ए? वो पहन ले। हाँ मैं नहीं पहनने का पुरानी चप्पल, मेरे नए जूते। अबे चुप, अगर तू इसी तरह रोता रहेगा तुझे यही छोड़ जाऊंगा, तेरी बहू को मैं ले आऊंगा। हाय हाय, ओहो, चलो बारात में हमारे साथ में, चलो बारात में हमारे साथ में। चिचोरों की है ये बारात, दुल्हन लाएंगे अपने साथ। चलो बारात में हमारे साथ में, चलो बारात में हमारे साथ में। जो चिचोरे लौंडे हैं सब अपनी टीम बना लो,
बस में जितनी सीटें हैं सारी जाकर कब्जा लो। जो जो चिचोरे लौंडे हैं सब अपनी टीम बना लो। बस में जितनी सीटें हैं सारी जाकर कब्जा लो। बुढ़ों के लिए भैंसा बुक्की जुड़ेगी बस के साथ में। हाय चलो बारात में हमारे साथ में, चलो बारात में हमारे साथ में। सर पे वर्क लगाए जो गंजा ना होता हो उसे प्यार से समझाए। जो जो गंजे हो गए हैं वो सर पे वर्क लगाए। जो गंजा ना होता हो उसे प्यार से समझाए। प्यार से बिना माने तो सीधा कर देना एक लात में। चलो बारात में हमारे साथ में, चलो बारात में हमारे साथ में। बर्फी और रसगुल्ले जो मर्जी तुम खाना। प्लेटों को मत छूना बस टेबल पे लूट मचाना। लड्डू बर्फी और रसगुल्ले जो मर्जी तुम खाना। प्लेटों को मत छूना बस टेबल पे लूट मचाना। ऐसा उधम मचाना के हल्ला मच जाए देहात में। हाय चलो बारात में हमारे साथ में, चलो बारात में हमारे साथ में। चिचोरों की है ये बारात दुल्हन लाएंगे अपने साथ। चलो बारात में हमारे साथ में, चलो बारात में हमारे साथ में। अबे चलो बे चलो, अबे बारात की बस आ गई बे। आप भी बैठो। ओए अल्लाह मर गई। अबे क्या हुआ बे लौंडिया, क्यों चीखी बे? हैं अरे क्या हुआ रही नजीरन? क्या बताऊं किसी कमीने ने इतनी जोर से नोचा कि क्या बताऊं। अबे किसकी इतनी हिम्मत हुई बे कमीने की जो हमारे होते हुए कोई और नोच जाए बे। अबे मेहमान हमारी, खर्चा हम कर रहे, मजे कोई और ले रहा। मियां अब्बा चमकीले, कहीं ये हरकत तुम्हारी तो नहीं है मियां? मैंने नहीं किया, मैंने तो ये हरकत बहुत पहले छोड़ दी। मियां रहने दो, मैं सब जानू। ईसाम की मान से तुम्हारी सब हरकत है। उस दिन मछली बाजार में दो औरतों को छेड़ कर तुम तो गोली हो गए, और ईमान से चार जोड़ी चप्पलें मेरे ऊपर टूट गई है, मैं सब जानू। इस वक्त तो मैं कुछ ना कह रहा, मेरे लोंडे का ब्याह बिगड़ जाएगा और उधर नाश्ता निकल जाएगा। चलो बस में बैठो जाओ, चलो जाओ। और इनसे जरा बच कर रही हूँ, पहले कह रहा था बारात में मत जावे, बारात में मत जावे। अबू मेरा हाथ, अबू मेरा हाथ। अबे रोको मेरा, चलो चलो। क्या कर रहे हो? कोई कह रहा रोको मेरा, रोको कोई कह रहा, चलो चलो। अबे मेरा लौंडा टायर के साथ साथ घिसटता हुआ आ रहा। कमीना अगर मेरे लौंडे का कुछ हो गया तुम्हारे बाबा से दो दो ले लूंगा। अबू मेरा हाथ, अबू मेरा हाथ। खिड़की बंद कर दी, मेरे लौंडे का हाथ टूट गया बे कमीनो। अबू मेरा हाथ, अबू मेरा हाथ। अबे गाड़ी रोको यार, ड्राइवर साहब गाड़ी रोको। अबू अबू अबे आ जा, आ जा, आ जा। आजा प्रभु, मैं आजा, आजा। भाइयों, अब यार मेरा ये लौंडा देखना जख्मी हो गया है,
हैं? अब यार जो भी जिससे तौफीक हो, एक इंच दो इंच या आधी सीट दे के सवाब दारेन हासिल करे मेरे भाई। ये टेढ़ी आंख वाला दूल्हा आपको दुआ देगा मेरे भाई, जिसे तौफीक हो भैया सीट देने की मेहरबानी करे मेरे भाई। तू सीट दे दे मैं अपनी। चाचा बस के अंदर तो क्या, बस की छत पर भी बैठने की सीट नहीं है। फिर क्या करें? क्या करो, कैसे नीचे बिठा दो। नीचे? अबे मैं नीचे नहीं बैठने का, मैं तो सीट पे बैठूंगा, सीट पे। अबे बेटे यहाँ तो अच्छा अच्छा कोई सीट नसीब नहीं आ रही, तेरे जैसे कुत्ते से मुंह वाले को कौन सीट दे रहा बेटा। तू बेटे अगर इसी चक्कर में रहेगा तो उधर नाश्ता निकल जाएगा। तू ऐसा कर बेटे, तू नीचे बैठ जा। नीचे बैठ जाओ, बैठ जा। अब हाँ मगर नीचे तो बैठ जाऊंगा। हाँ मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ तूने ग्वालियर की शूटिंग पहन रखी ना मनुज, जो तूने पहन रखे हो तो पहले गंदे हैं। बैठ बैठ जा। हाँ नीचे बैठ। लो बैठ गया। हाँ बैठ जा। बे मनुज तुझे ना क्या क्या करवाएगा, अबे तेरे चक्कर में दोपहर हो जाएगा। भाई ड्राइवर से कह रहा हूँ गाड़ी तेज भगाए क्योंकि नाश्ता। लोबन ठन के आज चली है अपनी ये बारात, लोबन ठन के आज चली है अपनी ये बारात। पता नहीं कब क्या हो जाए आज हमारे साथ, ड्राइवर तेज भगा ले, ड्राइवर तेज भगा ले गाड़ी नाश्ता निकल जाएगा। ड्राइवर तेज भगा ले गाड़ी नाश्ता निकल जाएगा। चौथे गेयर में डाल दे गाड़ी दुगने ले पेमेंट, जाने की जल्दी है हमें तू पहुंचा दे अर्जेंट। ब्रेक पे पैर न रखना चाहे हो जाए एक्सीडेंट, ड्राइवर तेज भगा ले, ड्राइवर तेज भगा ले गाड़ी नाश्ता निकल जाएगा। ड्राइवर तेज भगा ले गाड़ी नाश्ता निकल जाएगा। लोबन ढल के आज चली है अपनी ये बारात, लोबन ढल के आज चली है अपनी ये बारात। पता नहीं कब क्या हो जाए आज हमारे साथ, ड्राइवर तेज भगा ले, ड्राइवर तेज भगा ले गाड़ी नाश्ता निकल जाएगा, नाश्ता निकल जाएगा, नाश्ता निकल जाएगा, नाश्ता निकल जाएगा, नाश्ता निकल जाएगा। गाड़ी के क्या कागज देखोगे? देख नहीं है तो सरकार ये 10 का नोट देखो। अमलदार खड़क सिंह को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा। सरकार बात को आगे मत बढ़ाओ और जल्दी से अपना सही से रेट बताओ। हमारे साहब से बात कर लो चल के। भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई खड़का सिंह, फड़का सिंह, ये क्या फजीता है? सर अपने इलाके में जो गंजे गिरोह का आतंक फैला हुआ है, मुझे लगता है सर ये वही गंजों का गिरोह है। शाबाश खड़क सिंह, शाबाश। तुमने तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन कर दिया। इन्हें ले आप पकड़ के गंजे गिरोह के सरदारों को। आ जाइए राजा, इन्हें बंद करो इन्हें सबको। अरे सरकार हम तो बराती हैं, बराती है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखो ये रहा दूल्हा भी आएगा हमारे साथ। अरे सरकार बात सुनिए, बात सुनिए, हम तो बराती हैं सरकार, बराती। बराती हो? हाँ। शादी का कार्ड दिखाओ। पहले कहा था आपको कार्ड छपा लो, कार्ड छपा लो। खुद बोले एक आदमी साइकिल पे चला जाएगा, बुलावा दिया जाएगा। तो मुझे क्या पता था मेरे बच्चे के रास्ते में कोई कार्ड भी दिखाना पड़ेगा? अगर मुझे पता होती कार्ड दिखाना पड़ेगा तो मैं घर से राशन कार्ड न ले आता भाई। फस गए ना, फस गए, हो गए यहाँ खेल बिगड़े। फड़का सिंह, फड़का सिंह। यस सर, सबसे पहले गाड़ी किनारे लगवाओ
और इन सब डकैतों को हवालात में पूछवा। अरे सर, और सारा मैं सारा लट बंद। अरे सरकार, मेरी बात सुनो। देखिए हम तो पहले ही बहुत परेशान है सरकार। एक शर्त पे छोड़ दो। बताओ सरकार। रुपए तो लूंगा पूरे 2000 और तुम्हें दिखा दूंगा बाहर से ही फरार। ये बात है सरकार। हाँ तो पकड़ो 2000। अच्छा सरकार, चलो भाई। नमस्कार। चलो यहाँ चचा। हाँ भैया, जो अल्लाह का बड़ा शुक्र है चचा। हाँ भैया, हाँ भैया, यहाँ पुलिस जो है ना पकड़ कर रात भर हवालात में कुटाई करती, सुबह तक सारे बराती उबले में निकलते। बता रहा हूँ। अब यूँ बता भैया। हाँ चचा, जाना कहाँ है? मियाँ चचा, मुझे क्या पता कहाँ जाना है। मुझे तो मोहल्ले वालों ने इतना बताया कि भैया बेटी वाले का नाम है बावला खदेड़ा और गांव का नाम है ग्वाली खेड़ा। ग्वाली खेड़ा? हाँ। अरे ग्वाली खेड़ा तो आ गया। यही है ग्वाली खेड़ा। हाँ। मैं तो चचा जहाँ भी टेंट पेंट लगे हुए देखे। हाँ। आप गाड़ी को वही रोके और सारे चल के सलाम ठोके। अरे वो टेंट, अरे मुझे तो टेंट नजर आ रहा है। आगे भैया तू दे टेंट है। टेंट ही है ना। अस्सलाम वालेकुम मियां, मुझे आपके वालिद का बड़ा अफसोस है। अबे ड्राइवर भैया, टेंट के पास गाड़ी रोक लियो। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी है सब मैं, देखो ऐसा है थोड़ी देर हो गई और मेरे ख्याल में नाश्ते का वक्त भी निकल ही गया है। समझी जी भाई, शादी ब्याह का मामला देर सवेर थोड़ी हो ही जाती है। क्यों नाश्ता? अरे कैसा नाश्ता भाई, अरे कैसी शादी, अरे कैसा समझी। अरे नाश्ता नहीं देना है तो कोई बात नहीं समझी जी, है भाई एक एक गिलास पानी पिलवा दो, सारे के सारे भूखे प्यासे तड़पते फिर रहे हैं और फिर भूख भी लग रही है। नाश्ता पानी, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो, नाश्ता कैसा नाश्ता भाई। आप तो खामखा बात को हद से आगे बढ़ा रहे हो। देखो शादी ब्याह का मामला है, थोड़ी देर सवेर हो जाती है तो पहले तो दूल्हा को सेट करने में टाइम लग गया। बिल्कुल सही लगा, नहीं लगा? बिल्कुल। रस्ते में पुलिस का पंगा पड़ गया, आपके सामने की बात है, है? और फिर थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है ऐसे कामों में। कौन सा दूल्हा यार, अब कैसी मजबूरी भाई, कैसी देर। कैसा दूल्हा, कैसी लौंडिया, कमाल कर रहे हो आप तो। मैं जब आपको मेरे साथ में रिश्तेदारी नहीं रखनी थी तो अपनी लौंडिया का रिश्ता मेरे लंबे से करा क्यों था, क्यों जी। अबे कैसा रिश्ता भाई, अबे कौन सी लौंडिया यार, अबे भैया क्या बात है। कैसा रिश्ता, कैसी लौंडिया, ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बात को हद से ज्यादा आगे बढ़ा रहे हो। हम भी कोई इज्जत रखने वाले आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात बताओ, जब तुम्हारे यहाँ कोई शादी नहीं है तो इतना बड़ा तंबू ये कन्नाते पन्नाते क्यों लगा रखे हैं? अब बोल क्यों भाई। अब भैया मैंने ये तंबू ये कन्नाते नू लगा रखी है कि आज मेरे बाप का 40वां है भाई। 40वां? तुम्हारा नाम बावला खदेड़ा नहीं है भाई? नहीं, मेरा नाम बावला खदेड़ा नहीं है, वो तो भैया तीन गली आगे रहता है। भाई माफ कर दियो, गलती हो गई। ये सब इस जमील की वजह से हुआ, कमबख्त मारे कि जब भी करता गलत ही नंबर डायल करता, गलत ही नंबर डायल करता। गलती हो गई भाई जान, माफ करना। चलो भाई चलो, तीन गली छोड़ के चौथी गली में घुस जाओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। खबरदार, जो कदम आगे भी बढ़ाया तो सिर फोड़ के रख दूंगा, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। भाई जान एक बात तो बताइए, क्या इस तरह से स्वागत होता आपके यहाँ बारात का? बाहर आ जाओ अपने अपने हथियार लेके। भैया क्या करेंगे हथियारों का? अबे छिछोरो हराम खोरो, अब आए हो यहाँ? अबे 25 बराते प्यारे भी गांव में आ चुकी हैं, वो भी बिल्कुल टाइम पर, और तुम अब आ रहे हो? अबे तुम्हारी वजह से हमारा सारा नाश्ता बेकार हो गया। कितना नुकसान हो गया भाई जान? आधा किलो दूध, 100 ग्राम पत्ती, 200 ग्राम चीनी और 25 किलो पानी की चाय कुत्तों को पिलानी पड़ गई। सुनो, ये जो सबका नुकसान हुआ है हम तुमसे वसूल कर लेंगे। तुम्हारी बारात के 5 आदमी जान से मार देंगे। बस 5 आदमियों की बात है ना भाई जान? हाँ जी, आओ चचा
मैं क्या कर रहा हूँ? तुम आओ, अब चमकीले तुम आओ जी आगे को। मैं जो मेरी बात सुन लो, मैंने तभी तुम्हें ना किसी ने देखा। आओ तो चाचा तुम आओ तुम। अरे भैया, मैं ये तो पूछ रहा हूँ भैया, क्या रहा है भैया? आ तो अबे तू जमील, तू बड़ा रहा है, बंद कर। अब्बू अब्बू मुझे तो माफ करो, अब्बू मुझे माफ करो, मैं मुझे माफ करो। तू अबे तू अबे तू बड़ा रहा है, बंद कर। अजी मत दूँगा, अजी मत दूँगा, अजी मत दूँगा। जुम्मन मियाँ, अरे भैया भूख लग रही है, खाना खिलवाओ। कोई भी बच्चा बूढ़ा अगर किसी ने खाना मांगा, सारा मुंह में चिमटे दे दूंगा, कोले भर दूंगा कोले। और सुन लो, खाना निकाल के बाद ही मिलेगा। अरे तो भाई निकाह पड़वाओ, देखे हमने मांग दिया, खाना चढ़वाओ। बता दे दिया, खाना निकाल के बाद ही मिलेगा। ऑर्डन जा मदरसे में फेंका इन्हें। फेंका? काटवाट तो हैंगी जनवासे में। कौन सी मैयत की? चलो भैया चलो। ये रहा जनवासा, और मरो सबके सब यहाँ पर, जब तक कोई बुलाने ना आए, कोई उधर को मत झांकना। जुबन हाँ जी, ये क्या हो रहा? आज सारे के सारे मर गए दिखे। चलो जुम्मन मियाँ, कहीं और इंतजाम करते हैं। अबे वाह जुम्मन भाई, क्या किस्मत पाई, मिल गई चार पाई, वो भी बिस्तर बिछी बिछाई। वाह जुम्मन मियाँ वाह, कर लो आराम। अरे बेटी यहाँ क्यों बैठी है? आराम से आ जा यार। हाँ तू और कौन? आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आराम से, आराम से बैठ। हाँ बुड्ढे, अबे तूने किया था, अबे इधर देख। अबे क्या किया? ये हरकत की तूने? कौन सी हरकत? तू कौन है? अबे तू कौन है? नहीं आता। अबे तुझे शर्म नहीं आती? मैं लौंडिया की तरफ देख रहा था, तेरे आंख क्यों लग गई? अबे तो मैं भी देख रहा था वहां। अबे तो शर्म नहीं आती? अबे तू आया के सब पूछ। अबे चुप रह। अबे तू चुप रह, मैं मार दूंगा। अबे मैं भी मार दूंगा, जान दे मुझे, मार देगा तू। अबे Ah.
अब हाँ अब अबे क्या हो रहा है अबे क्या हो रहा अबे क्या कर रहा हूँ मैं लम्डे के साथ अब हाँ ये मेरा नोट खेच रहे नोट खेच रहे मतलब मार सालों के अब हाँ एक काम करूँ हाँ काट लूँ इन्हें काट ले अच्छा ले अपने आप कुत्ते के काटे के इंजेक्शन लगवाते फिरेंगे ये तो गलत है जो गलत कैसे भाई भैया ये रंग का फर्क है ये गलत है ये हो गई ना एक दो तीन गलत है भैया ये रंग का फर्क है दोनों लाल हैं ये पता भाई सही है भैया ये बिल्कुल सही है भैया गलत है भाई मान किसी की बात मानेगा ना कहीं खेला गई आज तक बैठ आ गई मतलब हम बैठे नहीं भाई हमारी गलत भी सही है हम दूल्हा के मामा समझ गए भाई अब मामा हाँ दूल्हा का मामा दूल्हा के मामा मैं देख लूंगा कभी के चक्कर में रहता भैया ये गलत है तो गलत है किसे देख लेगा भाई तू भाई ये गलत है यार किसको देख लेगा भाई तुझे भी देख लूंगा तेरे भांजे को भी देख लूंगा मैं भांजे को देख लूंगा देख लूंगा हां देख लेगा चल तू भाई दिखा कहां है हमारे भांजे को चल चल हम बताएंगे तुझे आ चल यूर हमारा भांजा ये तेरा भांजा यो है भांजा मेरा हाँ भांजा क्या कर लेगा तू करके दिखा मिनट से पहले रैपट मारूं मिनट से पहले तू रैपट मार के दिखाइए ना मैं मिनट से पहले मारूं कुछ ना करने का भाई इसका मिनट से पहले मारूं ये मेरा भांजा है इसका कुछ ना करने का तू मार के दिखाऊं क्या दिखाइए मार के फिर दे अंजाम मारूं मार के दिखा ले मेरे कैसे चाटा मारा भैया मैंने कहा मारा अबे क्या हो रहा है अबे हो क्या रहा अबे क्या हो क्या रहा अबे अबे तेरी वजह से हो सारे के सारे फजीते तेरी वजह से हो सारे के सारे फजीते तू तू जहां जाता कमीने मत समझो तू बड़ा ना समझूंगा सब जगह तू फजीते करवाता हो जरा सब जगह तू फजीते करवाता तेरी वजह से मेरे लौंडे का बियाह बिगड़ला मनुष तेरी वजह से मेरे लौंडे का बियाह है जहां भी जाता तू सारे काम ऐसे करता मेरी जगह बेइज्जती हो रही जगह जगह मैं समझूंगा जगह जगह बेइज्जती हो रही मैं समझूंगा लाना पड़ेगा मनुष्य ने दिमाग खराब कर रखा मेरा पीछे है मनुष्य ने दिमाग खराब कर रखा मुझे समझ नहीं आता कैसे कैसे काम करता है तेरी चच्ची कहां है चलो बे चलो निकाह का बुलाया बे चलो बे चलो निकाह का बुलावा है चलो बे चलो निकाह का बुलावा है अबे निकाह का बुलावा आ गया बेटा हाँ मैं अब्बा चमकीले पड़े सोते रहोगे हैं मैं बड़ी मुश्किलों से निकाह का बुलावा है अल्लाह के बंदो चलो आओ मियां का निकाह का बुलावा आ निकाह का बुलावा आ गया मियां ठहरो मैं चप्पल तो पहन लूं हां पहनो चप्पल पड़े सोते रहो या तो लड़कियों को ढूंढो या पड़े सो आओ भूख लग रही जल्दी चलो हां चलो आ जाओ मैं ले हाँ टीवी लेगा टीवी हाँ लूंगा मैं ले हाँ फ्रिज लेगा फ्रिज लूंगा मैं ले हाँ मोटरसाइकिल लेगा मोटरसाइकिल हाँ लूंगा मैं ले मोटरसाइकिल चलानी भी आवे मोटरसाइकिल चलानी चलानी तो आवे मगर स्टार्ट करनी नहीं आती मैंने हाँ यही वक्त है निकाह का हाँ मांग लियो अच्छा मांग लूंगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाँ भूख लग रही है पानी भी ना पिया सुबह से तू पत्ते खा ले मनुज चैन से नहीं बैठा रह सकता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बैठिए कारी साहब बड़ी देर लगा दी आने में थोड़ा मसरूफ था अच्छा जी तो मियां शुरू करें बिल्कुल शुरू कर दो जी तो लड़के का इसमें शरीफ बताइए जरा किसमें शरीफ इसमें शरीफ मेरा मतलब लड़के का नाम बताइए लड़के का नाम है मैला 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 काफी अच्छा नाम है और लड़के के वालिद का नाम जुम्मन जुम्मन जी हाँ तो मियां मैले आपका निकाह काली कलूटी बिनते बावला खदेड़ा के हमरा मेहर 3.5 रुपए के साथ किया जाता है क्या आपको कबूल है ये निकाह मियां क्या आपको ये निकाह कबूल है मियां गर्दन हिलाकर जवाब न दो जबान से हाँ या ना में जवाब दो टीवी है कबूल है फ्रिज है
कबूल है, मोटरसाइकिल है कबूल है। ठीक है मैं अभी आता हूँ। नूरे चश्म काली कलूटी बिनते बावला खदेड़ा, तुम्हारा निकाह मैला वल्द जुम्मन के हमरा, मैं साजो सामान टेलीविजन मोटरसाइकिल और फ्रिज के साथ किया जाता है, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है बेटी? क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? नहीं नहीं नहीं, मुझे इन दहेज के लोभियों के साथ शादी नहीं करनी, इन्हें बीवी नहीं टीवी चाहिए, टीवी। अरे हराम खोरो छिछोरो, टीवी चाहिए तुम्हें, फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। मियाँ ऐसे कैसे दफा हो जाओ, दिमाग खराब क्यों कर रहे हो हैं? अरे हमारी दफा हो जाओ। अरे हमारी लड़की ने निकाह करने के लिए मना कर दिया। अजी मना कर दिया तो हम क्या करें, हमारे लोंडे ने तो हाँ करी है, है? एक बात सुन लो, खर्चा करा भी हमें है। अरे मैं बहू लेके जाएंगे यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ अब्बू, जैसा इन्होंने करा ना वैसे ही सालों के साल करेंगे। ना पूछो क्या हुआ, ये क्या गत बनाई, बहू ना आई। ये गत क्या पूछो, बहू का नाम मत लो, ससुरों ने मार मार के हड्डियां तोड़ दी हम लोगों की। उम्र पूछ ली थी किसी की? नहीं उम्र नहीं पूछी, ये सब मैले का कसूर है, मैले के अब्बा का कसूर है। क्या हुआ? क्या होना था, बस बारात गई और पिटा पिटा के यहाँ गई। मेला कहाँ है और उसके अब्बू कहाँ है? अरे दोनों पिट पिटा के कहीं आ रहे होंगे। जान बची तो लाखों पाए, लौट के गंजे घर को आए रे। जान बची तो लाखों पाए, लौट के गंजे घर को आए रे। जान बची तो समझो लाखों पाए। पहले तो पुलिस ने बंद कर दिया था थाने में, अच्छा 2000 ले लिए फिर हमसे जुर्माने में, हाय हाय। फिर कहीं जाके हवालात से बाहर आए, जाने कैसे तेरे लौंडे ने मुकदर पाए। अजी फिर क्या हुआ?
जान बची तो समझो लाखों पाए, लौट के गंजे घर को आए रे। जान बची तो बेगम लाखों पाए। हमको पानी भी न पूछा था बेटी वाले ने, अच्छा जी, लड़की भी और को दे दी जलील साले ने। सारे भूखे ही रहे कोई न कुछ भी बोला, खाना तो दूर मिला पानी भी न एक तोला। जान बची तो समझो लाखों पाए, लौट के गंजे घर को आए रे। जान बची तो बेगम लाखों पाए। बहू की बात पर बस हो गया उसे झगड़ा, वो भी मामूली नहीं हो गया बहुत तगड़ा। उस कमीने ने तो बंदूक अपनी मंगवा ली, हम क्या करते हमारे हाथ थे दोनों खाली। जान बची तो बेगम लाखों पाए, लौट के गंजे घर को आए रे। जान बची तो बेगम लाखों पाए, लौट के गंजे घर को आए रे। जान बची तो बेगम लाखों पाए।